Hello students and good morning to all of you. This is Brijesh Singh and I'm going to discuss financial accounting unit second. In unit second, I discussed with you in my all the lecture, previous lectures, the accounting treatments, company accounts, final accounts के बारे में मैं discuss किया तो companies and companies के treatment and all these things. Today I'm going to discuss the accounting treatment of shares. तो यहाँ से हमारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या होंगी, किस टाइप की होंगी, वो चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ शेयर्स. सो लेट्स मूव्स टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर्स एंड दिस इज अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर्स 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा. सो आई विल डिस्कस विद यू. The first thing, the issue of shares. So the shares can be issued in two ways, for cash or for consideration other than cash. हम इसको issue कर सकते हैं, यानी कि shares को for cash भी हम issue कर सकते हैं और for consideration other than cash भी issue कर सकते हैं. Terms of issue of shares की अगर हम बात करें तो the shares can be issued at three ways, and issue at par, issue of shares at premium and issue of share at discount. तीन तरीके से इस shares को issue किया जा सकता है. When द इश्यू ऑफ शेयर अगेन लमसम पेमेंट, अगर हम लमसम पेमेंट के लिए इश्यू करते हैं तो क्या होगा. तो बेसिकली व्हेन ऑल अमाउंट ड्यू ऑन द शेयर्स इज पेड ऑन वन इंस्टॉलमेंट, तो इट इज कॉल्ड द शेयर इश्यू ऑफ शेयर लमसम पेमेंट. तो जनरल एंट्रीज विल बी एस. तो फर्स्ट थिंग, फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, बेवर लिमिटेड इश्यूज 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार. द होल अमाउंट वॉज पेबल विद एप्लीकेशन पास एज नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी. द फर्स्ट थिंग, तो हमने क्या करना है कि जो भी हमने इश्यू करे वो सारा का सारा पैसा हमने एक ही बार में ले सकते हैं. तो इसको हम कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर अगेंस्ट लमसम पेमेंट. लमसम पेमेंट यानी एक ही बार में, वन इंस्टॉलमेंट में ही सारा पैसा एक बार आपको मिल जाएगा. तो इस टाइप से जनरल एंट्रीज हम करेंगे. बैबल लिमिटेड की 1 लाख शेयर है, ₹10 का एक शेयर था, तो उन्होंने हमने इसको इश्यू किया. तो इसके लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हम कर रहे हैं क्योंकि पैसा आपके डायरेक्टली बैंक में आएगा. तो 10 लाख रुपए यानी कि 1 लाख × 10, ₹10 लाख आपके डेबिट हो जाएगा. तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट ₹10 लाख आपका क्रेडिट हो जाएगा. तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर एट ₹10 पर शेयर. दूसरी एंट्री क्या होगी, फिर जो पैसा आपको मिलता है इस पैसे को हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं. तो इसको आप फिर एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, ये एंट्री बनेगी बीइंग शेयर अलॉटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख शेयर टू शेयर कैपिटल ₹10 लाख. फिर जो पैसा आता है उसको हम अलॉटमेंट को वहां पर इसको डिपॉजिट कर देते हैं. देन शेयर पेएबल इंस्टॉलमेंट, अगर हम शेयर को इंस्टॉलमेंट में पेएबल करते हैं तो क्या होगा. ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है कि ज्यादातर जो पेमेंट्स होते हैं शेयर जो होते हैं इश्यू होते हैं वो इंस्टॉलमेंट में किए जाते हैं. तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी. सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड ऑन अलॉटमेंट इट इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी. एंड सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट पेड आर कॉल्ड एज कॉल्स मनी. तो कॉल्स कैन बी मोर देन वन और कॉल्ड फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड थर्ड कॉल एंड एक्सेट्रा. समटाइम कॉल फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल में पैसा आता है, कई बार फाइनल कॉल या एक ही कॉल में सारा पैसा मिल जाता है. तो दीज आर द टर्म्स व्हेन इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार. ठीक है, जब हम शेयर्स को फॉर कैश इश्यू करेंगे और एट पार, पार यानी कि फेस वैल्यू, यानी कि जितने का शेयर है उतने में ही अगर शेयर्स को इश्यू करते हैं तो उस समय क्या एंट्रीज होती है, इनको ध्यान रखना होगा आपको. जैसे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, फॉर एप्लीकेशन मनी आपने करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, यानी कि नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाई एप्लीकेशन अमाउंट पर शेयर जितना भी है आपका. जैसे कि हम 1 लाख शेयर इश्यू करते हैं तो ₹10 का एक शेयर है तो ₹10 लाख हो जाएंगे. ठीक है, ये ध्यान रखना है. फिर ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ना जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट की एंट्री हो जाएगी वही अमाउंट से जितनी एप्लीकेशन आप एक्सेप्ट करेंगे. फिर दूसरा जो टर्म होगा वो होगा अलॉटमेंट का. तो यहाँ पर अलॉटमेंट जब हम करते हैं तो पहले एप्लीकेशन में तो बैंक अकाउंट पैसा यानी कि पहला पैसा लेते हैं, लेकिन अलॉटमेंट में हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं. तो कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर को अलॉटमेंट ड्यू कर देती है. तो इसकी एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो कितने शेयर अपने अलॉट किए हैं, जैसे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू माय अमाउंट कॉल्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ ईच शेयर, जितने नंबर ऑफ शेयर है वो आपके यहाँ आ जाएगा. ऑन रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आपने लिया, देन टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. फिर फॉर कॉल्स ड्यू,
कॉल्स ड्यू करेंगे तो चाहे वो फर्स्ट कॉल हो सेकंड कॉल हो सब में यही एंट्री बनेगी। अगर फर्स्ट कॉल होगी तो यहाँ लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड होगी तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, इस टाइप से। अदरवाइज हम शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर ऑन रिसीप्ट ऑफ मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट, इसको हम कर देंगे तो आपका जो पैसा है वो सारा शेयर कॉल्स पे मिल जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल है ये डीएस लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ वैल्यू 10 रुपीज ईच, अमाउंट इज पेबल ऑफ ₹2 इन ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। द हॉल ऑफ द अबव इश्यू वाज अप्लाइड एंड कैश ड्यूली रिसीव्ड, सबका सब अप्लाइड हुआ और सब पैसा मिल गया आपको। गिव द जनरल एंट्रीज, तो जनरल एंट्री जनरली इसमें आती है आपकी। पीएस टर्म है, सबसे पहले क्या करें, 10,000 शेयर्स हैं, ₹10 का एक है, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ अमाउंट्स हो जाएगा 10,000 × 10, तो 10 जो लैक है, जो 1 लाख है आपका। अब यहाँ पर क्या करना है ये देख रहे हैं, एप्लीकेशन पे कितना 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज और अदर कितना बचा, 2 + 5 = 7 हो गया, 3 रुपीज जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आता है। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2, तो 10,000 × 2 करेंगे तो कितना होगा, ₹20,000 आपको डेबिट में और ₹20,000 क्रेडिट में जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 20,000 और टू शेयर कैपिटल अकाउंट इज 20,000, बीइंग द ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑफ 10,000 शेयर्स टू द शेयर कैपिटल, ठीक है, फिर इसको ट्रांसफर कर दिया। देन आपने क्या करना है, अलॉटमेंट मनी ड्यू करनी है, तीसरी एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट मनी के लिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10,000 × 5 हो जाएगा तो 50,000 हो गया, तो ये आपकी जो है अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई। फिर अलॉटमेंट पैसा आपको मिल जाएगा, रिसीव व्हेन द अलॉटमेंट मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 5 × 10,000 करेंगे तो ₹50,000 आपको मिल जाएगा। देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट ड्यू करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, तो 3 रुपीज की बनी, तो 30,000 आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, बींग द अमाउंट ड्यू ऑन 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 अमाउंट रिसीव्ड ऑफ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट क्रेडिटेड, तो आपको मिल जाएगा ₹30,000। तो इस टाइप की जो एंट्रीज है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो इनको समझना है, बहुत ध्यान से करना है, जो भी मैंने आपको ये बताई है इनको आप फॉर्मेट को याद रखिए, इस फॉर्मेट के आधार पर ही आपकी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो सकती है, जो जनरल एंट्रीज है आप इसके आधार पर बना सकते हैं। So I hope you understand. Thank you very much.